गोरखपुर महानगर में 4 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। यह जानकारी देते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि कैंट थाना अंतर्गत रजही, शाहपुर अंतर्गत झरना टोला, गोरखनाथ थाना अंतर्गत रसूलपुर तथा चिलुआ ताल थाना अंतर्गत नवापार कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। चारों कंटेनमेंट जोन के 1 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और 3 किलोमीटर का एरिया में सारी प्रतिष्ठानों को बंद करवा दिया गया है। शासन के निर्देश पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार 4 कंटेनमेंट जोन के सभी तरह की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन एरिया में होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी घरों पर होम डिलीवरी की सुविधा लिस्ट चस्पा करवा दिया गया है, जिसमें सब्जी, फल, दूध, राशन और आवश्यक जरूरी सामान की वस्तुएं शामिल है। पिछले 4 दिनों से डोर टू डोर सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हो रही है और प्रतिदिन डोर टू डोर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है और वहां के सभी आसपास के घरों को समय समय पर सैनिटाइज करवाया जा रहा है। सर्वे के दौरान अगर कोई भी संदिग्ध मिलता है तो उसको कोविड-19 चेकअप के लिए भेजा जाता है और जो कंटेनमेंट जोन के नागरिक है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। होम डिलीवरी की सुविधा मौजूद है। सभी लोग मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप्स इंस्टॉल करें और तहसील सदर के फेसबुक पेज को देखते हैं, हम पूरी जानकारी उस पर शेयर करते रहते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एसडीएम सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, अभी हमारे तहसील सदर में 4 कंटेनमेंट हो चुके हैं। शाहपुर थाना अंतर्गत झरना टोला, कैंट थाना अंतर्गत रजही, गोरखनाथ थाना अंतर्गत रसूलपुर और चौथा हमारा चिलुआताल थाना अंतर्गत नवापार। तो 4 कंटेनमेंट जोन है, हमने 1 किलोमीटर के एरिया में सारे को सील कर दिया जो पहले गाइडलाइन थी, और 3 किलोमीटर का जो बफर जोन होता है उसको हमने सारे प्रतिष्ठान सारी दुकानें बंद कर दी हैं। इसमें जो शासन के निर्देश थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुलता है, इन एंड आउट, कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। तो हमने सारी व्यवस्था करा दी और वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति डोर टू डोर होती है, डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से। तो हमने इन चारों जोनों में जितनी भी किराना की शॉप्स हैं, फल, सब्जी, दूध विक्रेताओं की शॉप्स हैं, सबको मैप हमने करा रखा था पहले से ही। गोरखपुर मॉडल में जो पहले से ही ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी पहले से हमने करा रखा था उसको, शॉप्स और उसको सबको हमने लिस्ट चस्पा करवा दी है प्रत्येक घर घर में कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन के माध्यम से आप अपने घर पर आवश्यक सेवाएँ और वस्तु मंगा सकते हैं। तो पिछले 3-4 दिनों से सप्लाई चेन हमारी इनमें डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हो रही है और कोई इशू नहीं आ रहा है। बस सुबह शाम सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है और डोर टू डोर जो कलेक्शन होता है, डोर टू डोर जो सर्वे होता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, वो भी किया जा रहा है, जिसमें एक आशा ANM और पैरामेडिक्स होते हैं। हॉटस्पॉट के लिए एक अलग से रणनीति ये होती है कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आया है, जो घर उसके आसपास के घर हैं, उन सबको सैनिटाइज होता रहे, बार बार होता रहे, और आसपास के जितने भी घर हैं संभावित उन सब के लिए एक बार चेकअप हो जाए, उनका एक सर्वे हो जाए, और कोई ऐसा व्यक्ति लगता है कि कोई सिम्टम है तो उसको तुरंत उसको हम कोविड-19 फैसिलिटी में ले जाकर उसका टेस्ट कराएं। तो हमारे 4 कंटेनमेंट जोन बने हैं और हमने आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए अच्छी व्यवस्था कर रही है। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि जो 4 हमारे ये जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ के निवासी के लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप घरों में रहें, हर वस्तु, हर सेवा हम आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे कि आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें। ये बड़ा मैंडेटरी है कि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ के सभी नागरिक अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें। यह ना केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। और दूसरा, तहसील सदर गोरखपुर का फेसबुक पेज है, इसमें हम सारी जानकारी डाल रहे हैं, जो भी जानकारी हम शेयर करना चाह रहे हैं, तो उसको आप देखते रहें बदस्तु और सारी जानकारी आप मिल जाएगी। बस आप घरों में रहें 14 दिन तक के लिए, यही हम आपसे कहना चाहते हैं।